Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to teach you how to make beaded balls. So let's get started. Here I'm using 0.80 mm nylon thread and 8 mm pearls. मैं यहाँ पर वाइट पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ. आप चाहें तो कोई भी कलर के बीड्स यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैंने वायर को कट कर लिया है एंड कट करने के बाद यहाँ पर मैं 5 बीड्स इंसर्ट करूँगी 1 by 1. 1, 2, 3, 4 and 5. एंड जो लास्ट वाला बीड है हमें उसमें दूसरे एंड को इंसर्ट कर देना है लाइक दिस. नाउ यू कैन सी गाइज, आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि मैंने इसे क्रिस क्रॉस कर दिया है. एंड क्रिस क्रॉस करने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा. सो इसी तरह से हमें प्रोसेस को रिपीट करना है. यहाँ पर मैं अगेन 4 बीड्स इंसर्ट करूँगी दोनों साइड्स में. हमें 2 बीड्स इंसर्ट कर देना है एंड जो लास्ट वाला बीड है उसे क्रिस क्रॉस कर देना है. और इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है. नाउ यू कैन सी गाइस कि हमारा ये जो बीडेड बॉल है वो अपना शेप लेता जा रहा है. सो आप इसी तरह से प्रोसेस को रिपीट करते जाना है. यहाँ पर मैं बीड्स इंसर्ट करती जाऊँगी एंड क्रिस क्रॉस कर दूँगी. लाइक दिस. इसी तरह से हमें प्रोसेस को रिपीट करते जाना है. अगेन मैं यहाँ पर बीड्स इंसर्ट करूँगी. यहाँ पर मैंने 3 बीड इंसर्ट करे हैं एंड थर्ड वाले बीड को क्रिस क्रॉस कर देना है. क्रिस क्रॉस एंड पुल. पुल करने के बाद अब यहाँ पर भी हमें एक और सर्कल बनाना है. तो यहाँ पर मैं अगेन बीड इंसर्ट करूँगी एंड क्रिस क्रॉस. सो इसी तरह से हमारा हाफ जो बीडेड बॉल है वो रेडी हो जाएगी लाइक दिस. अब इसी बॉल को हमें कंप्लीट कर देना है विद द सेम प्रोसेस. तो इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सर्कल बना है उसे हम कंप्लीट करेंगे एंड लास्ट में भी हमें बीड इंसर्ट करके क्रिस क्रॉस कर देना है लाइक दिस. नाउ यू कैन सी गाइस, हमारी एक ब्यूटीफुल सी बीडेड बॉल बनकर रेडी है. बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.